को हम जो नॉन रोटेरियंस हैं ऑलमोस्ट कोई 1000 के करीब 1000 के करीब जो एवरी ईयर स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं मोस्टली प्रेफर अंडर डेवलपिंग जो कंट्री हैं डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां से सिलेक्शन की जाए सही क्योंकि डेवलप जो कंट्री है दे कैन अफोर्ड और मोस्ट ऑफ द कंट्री दे हैव फ्री एजुकेशन ठीक है उनको ऐसा इतनी जरूरत नहीं है तो इसकी सिलेक्शन जो क्राइटेरिया वो मोस्टली ये होती है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां के लोगों को जो है स्टूडेंट्स को सिलेक्शन किया जो ऑलमोस्ट 1000 के करीब जो एवरी ईयर उसमें स्कॉलरशिप दिए जाते हैं अच्छा। फिर रोटरी के अपने जो है रोटरी सेंटर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड 7-8 रोटरी सेंटर्स जहां पे पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के ऊपर जो है मास्टर डिग्री करवाई जाती है अच्छा और फिर उसमें जो थाईलैंड में एक रोटरी सेंटर है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट वहां पे शॉर्ट कोर्सेज करवाए जाते हैं अबाउट पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट 3 मंथ्स कोर्स जो कि रोटेरियंस को नॉन रोटेरियंस को वहां पे करवाया जाता है अच्छा तो ये प्रोजेक्ट्स हैं ठीक है बहुत ही आपके साथ जो गुफ्तगु है वो बड़ी जबरदस्त हो रही है क्योंकि बहुत सारी नई बातें भी पता चल रही हैं लेकिन खवातीन आजाद विनर ऑफ द डे का भी हमने ऐलान करना है तो जरा थोड़ी देर के लिए कॉन्वर्सेशन को रोकते हैं यहां पर विनर ऑफ द डे जी हमारा एक सिलसिला है क्विज ऑफ द डे और उसमें आज जो हमने सवाल आपसे पूछा था वो ये था कि कायदे आजम ने 14 नकात किस साल में पेश किए तीन ऑप्शंस आपको हमने दिए थे 1928 1929 और 1930 1928 1929 और 1930 और इसका सही जवाब हमें आज मिला है रावलपिंडी से मोहम्मद अदनान ने इसका सही जवाब हमें दिया है हमारी उनसे बात करने की हमने काफी कोशिश की राबता करने की कोशिश की लेकिन वो घर पर अब मौजूद नहीं है उनके वालिद साहब से बात हुई थी इन एनी केस अदनान साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपने जीत लिया है आज का क्विज ऑफ द डे जवाब क्या है सही ये मैं अब आपको बताता हूं सही जवाब है 1929 बिल्कुल जी हां 1929 सही जवाब है बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था लेकिन कंप्यूटर ने कुरानदाजी के बाद अदनान साहब का नाम निकाला और अदनान ने जीत लिया है सो 1929 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 नकात पेश किए 14 नकात के बारे में हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा है अपने सिलेबस में भी ईयर भी हमने पढ़ा था कुछ लोगों के जहन से शायद निकल गया हो लेकिन बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया आज भी सो 1929 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 नकात पेश किए थे कुछ लोगों ने तुक्का भी मारा है अच्छा हाँ तो तुक्का भी चल जाता था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर यही तो फायदा है कि कभी कभार तुक्का चल भी जाता है तो जनाब अदनान साहब आपने जीता है हमारी तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर आपको बहुत जल्द मिलेगा मेरी तरफ से सब देखने वालों की तरफ से हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक अगर आप ये प्रोग्राम अभी देख रहे हैं तो आपसे बहरहाल रब्ता नहीं हो सका आज जिसका हमें अफसोस भी है बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपने यहां पर आप तशरीफ लाए कुछ वक्त आपने हमें दिया आप मुझे पता चला है कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमने आपको दावत दी और थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया एक दफा फिर थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच खवातीन आजाद हमारी मुलाकात हुई आज शाहिद नदीम से प्रेसिडेंट हैं ये रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3270 के जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर मुश्तमिल है और इनके इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने इनसे गुफ्तगू की इस ऑर्गेनाइजेशन के अग्राज व मकासद के बारे में बात हुई जो प्रोजेक्ट्स इस वक्त अंडर प्रोसेस है उस पर बात हुई इस साल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर बात हुई रोटरी इंटरनेशनल के बारे में भी हमने थोड़े से समझने की कोशिश की जाहिर है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा रोटरी इंटरनेशनल के बारे में तो आज उन्होंने ये इंफॉर्मेशन हासिल की और शाहिद साहब को देखकर हमें ये भी खुशी होती है कि इस नस्ल के लोग नौजवान नस्ल के लोग जो हैं वो इस काम में किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अचीव कर रहे हैं बहुत सारे टारगेट्स माशाल्लाह अचीव कर चुके हैं और बहुत सारे नेक मकासद अभी सामने हैं बहुत सारे नेक ऑब्जेक्टिव्स अभी सामने हैं वो इंशाल्लाह उन्होंने अचीव करने हैं हमारी नेक तमन्नाएं दुआएं भी इनके साथ हैं और यकीनन एज ए नेशन हमने सपोर्ट भी करना है इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस को जो हमारे ही भले के लिए काम कर रही हैं सो जो लोग भी हौसला रखते हैं अल्लाह ताला ने उनको इतनी दी है हैसियत कि वो सपोर्ट कर सकें इन खिदमात को इस इनकी ऑर्गेनाइजेशन को वो जरूर आगे बढ़ें और हिम्मत करें हौसला करें जरूर इन कम्युनिटी वर्क्स में सोसाइटी को सोसाइटी की अपलिफ्ट के लिए जरूर काम करना चाहिए जिस तरह से हम अपने घर की अपलिफ्ट के लिए कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं हर वक्त इसी तरह अगर थोड़ा सा घर से बाहर सोचें तो अपने मोहल्ले के बारे में अपने शहर के बारे में अपने मुल्क के बारे में अपनी सोसाइटी अपने माशरे के बारे में जरूर हमें सोचना चाहिए और उसकी अपलिफ्ट के बारे में भी हमें ख्याल करते रहना चाहिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम आज का देखा कल आपसे फिर मुलाकात होगी
अपने प्रोग्राम राइजिंग पाकिस्तान में एक और मेहमान और बातों और सेगमेंट्स के साथ। तो कल तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जहां रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, दुआओं में जरूर याद रखें कहा सुना माफ। अल्लाह सखस सवा इश्क दिया अल्लाह अल्लाह।